राजस्थान के मानगढ़ में आदिवासियों को साधने के बाद अब पीएम मोदी गुर्जरों को साधने के लिए भीलवाड़ा आए हैं। मतलब साफ है कि पीएम मोदी राजस्थान को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं। राजस्थान चुनाव से पहले मोदी के राजस्थान में ताबड़तोड़ दौरे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन सवाल यही है कि पीएम मोदी राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी को कैसे दूर कर पाएंगे। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस और गुटबाजी से बाहर निकलने की नसीहत दे डाली थी। इसके बाद राजस्थान भाजपा में माहौल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया। पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग्स बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा शामिल करने की कवायद को भी मोदी की नसीहत का ही असर माना जा रहा है। इससे मैसेज ये गया कि वसुंधरा राजे को पार्टी किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकती। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए वसुंधरा समर्थकों में ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि पूरी पार्टी एक साथ है। लेकिन इस चुनाव में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहने वाली है, इस बात पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद पिछले 4 साल में वसुंधरा राजे पार्टी कार्यक्रमों में अक्सर तभी दिखी जब पीएम मोदी या केंद्र का कोई बड़ा नेता शामिल हुआ हो। लंबे समय से पार्टी में गुटबाजी और खींचतान साफ साफ देखी जा रही है। पिछले समय में पार्टी की ओर से चलाए गए अभियानों या कार्यक्रमों में अक्सर वसुंधरा राजे सक्रिय नहीं दिखाई दी। हालांकि वे अपने हिसाब से व्यक्तिगत दौरे, धार्मिक यात्राओं के नाम पर सभाएं करती रही। ऐसे में ये साफ है कि प्रदेश नेतृत्व और वसुंधरा के बीच दूरियां लगातार बनी हुई है। अब इन दूरियों के नुकसान का अंदाजा पहले ही लगाकर ऐसे रास्ते तलाशने की ओर पार्टी बढ़ना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में वसुंधरा राजे का पार्टी को लाभ मिल सके। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये फैसला लिया जा सकता है कि उनकी चुनाव से पहले टिकटों में भूमिका तय कर दी जाए। इस बात को इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि वसुंधरा के अलावा राजस्थान भाजपा में अभी कोई दूसरा प्रभावशाली चेहरा नहीं है जिसका पूरे प्रदेश की राजनीति में दखल हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहती है और पार्टी वसुंधरा के प्रभाव का कैसे लाभ उठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।